ऐसे आदमी जो बेवजह मारे गए। सबसे पहले ब्राजील में एक आदमी अपनी रोलर मशीन को चालू करता है और चालू करने के लिए बटन दबाता है और बटन दबाते ही वह रोलर में घूमने लग जाता है, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। नंबर दो, ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी रोज की तरह अपने काम पर जाता है। जैसे ही वह अपने आयरन कटर से लोहे को काटता है, जिससे वह मशीन झटक जाती है और उस मशीन का ब्लेड उसकी आंख में गड़ जाता है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ऐसी चीजें जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन मैं जरूर दिखाऊंगा। और लास्ट वाला तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले, अब से पहले आपको कभी पता नहीं होगा कि मगरमच्छ इतनी ऊपर तक छलांग लगा सकता है। नंबर दो, क्या आपको पता है कि एड्स में पिज्जा की चीज इतनी लंबी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो चीज नहीं, वो ग्लू का इस्तेमाल करते हैं। नंबर तीन, आप ये देख ही सकते हो कि एक ऑक्टोपस कैसे समुद्र में पैरों पर चलता दिखाई देता है, वो भी इंसानों की तरह। नंबर चार, आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा होगा कि सीरिया वॉर से पहले कैसा दिखाई देता था, लेकिन वॉर के बाद अब ऐसा दिखाई देता है। नंबर पाँच, आपने कभी सांप को जवाई लेते नहीं देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में सांप दिखाई दे रहा है कि सांप कैसे जवाई लेते हैं। नंबर छह, कछुआ आपने देखा होगा कि ऊपर से कितना मासूम दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ये कुछ और है और इनका मुंह कुछ ऐसा दिखाई देता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। आपने सोचा है कि एक डायमंड को जलाया जाए तो क्या वो जलकर राख बन जाएगा? देखो, डायमंड को जलाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए सबसे पहले डायमंड की जरूरत पड़ेगी और हिम्मत की भी। देखो, जैसे डायमंड को प्योर ऑक्सीजन में रखकर जलाओगे तो 800 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही डायमंड पिघलने लग जाएगा और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो जलना शुरू हो जाएगा नीली आग में और धीरे धीरे साइज छोटा होता जाएगा और एंड में एक चमकदार आग निकलेगी और हीरा भस्म हो जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन बनकर उड़ जाएगा। ये वायरल वीडियो आपने भी देखी होगी, जिसमें ये लड़का सिलेंडर से हेलमेट को तोड़कर दिखाता है और पहला और दूसरा वाला तो टूट जाता है और लास्ट वाला नहीं टूटता है, और आपको लगेगा कि ये लास्ट वाला बहुत ही ज्यादा पुख्ता है और ज्यादा सेफ्टी देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो हेलमेट टूट गया है वो आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ है बाइक चलाते वक्त। देखिए, ज्यादातर हेलमेट को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ज्यादा फोर्स लगने पर उनके ऊपर का सेल टूट जाए, लेकिन अंदर का नहीं। देखिए, ऊपर का सेल टूटने से हेलमेट पर लगा फोर्स बाउंस बैक नहीं करेगा, वहीं हेलमेट अगर नहीं टूटेगा तो वो बॉल की तरह बाउंस करेगा, जिससे आपकी गर्दन भी टूट सकती है। आखिरकार क्यों भारत मालदीव हैशटैग बायकॉट ट्रेंड चला रहा है? देखिए, 2 जनवरी 2024 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप घूमने गए और लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मोदी जी ने वहाँ के कुछ ट्वीट पोस्ट किए, लेकिन ये ट्वीट्स मालदीव के कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि उनका कहना था कि मोदी जी मालदीव के टूरिज्म को नीचे दिखा रहे हैं। मालदीव के एक मिनिस्टर ने मोदी जी को इजराइल की कठपुतली कहा और इन्होंने एक पोस्ट में इंडिया को काउडंग से कंपेयर किया और इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक जंग शुरू हो गई, जिसमें अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटी ने भी मालदीव के खिलाफ बोला था। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 8000 होटल बुकिंग और 2500 प्लेन टिकट भी उन लोगों ने कैंसिल कर दिए जो मालदीव जा रहे थे। इन सब के रिस्पॉन्स से मालदीव की सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने वाले 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया है, जिनका नाम था मलसा शरीफ, माजू माजिद और मरीम सियोना। कुछ ऐसे लोग जिनके पास रियल लाइफ सुपर पावर है। सबसे पहले नताशा डेमकिना, इनकी आंखें नॉर्मल नहीं बल्कि एक्सरे आईज हैं। ये इंसान को देखकर बता देते हैं कि उसके शरीर पर किस किस जगह चोट के निशान हैं। और तो और, स्किन के आर पार ऑर्गन्स और टिश्यूज के निशान भी देख लेती हैं। नंबर दो, स्टीफन विल्सर, इनके पास फोटोग्राफर मेमोरी है, यानी कि ये किसी चीज को एक बार देख लेते हैं तो उसे चित्र पर बना सकते हैं। एक बार इन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में हेलीकॉप्टर राइड की और इन्होंने पूरी सिटी को ड्रॉ कर दिया, वो भी छोटी छोटी डिटेल्स के साथ। नंबर तीन, विम हॉफ, इन्हें देखकर साइंटिस्ट भी हैरान है, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल की ठंड भी झेल सकते हैं। एक बार ये 2 घंटे तक बर्फ में रहे और इनका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बदला, यहाँ तक कि शॉर्ट्स पहनकर ये माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ चुके हैं। आखिरकार भारत की जेल में कैदियों के कपड़े सफेद क्यों होते हैं? देखिए, दरअसल इसके 3 कारण हैं। पहला कारण यह है कि इन कपड़ों को शर्म का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कैदियों को सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं। और दूसरा कारण यह है कि अगर कोई कैदी जेल से भाग जाए तो उसे बाहर के लोग आसानी से पहचान लेते हैं और पुलिस को सूचित कर देते हैं। और तीसरा कारण यह है कि हम जानते हैं भारत में अधिकांश मौसम गर्मी का ही रहता है, और आप सभी को पता होगा कि सफेद रंग का कपड़ा सूर्य की किरणों को परिवर्तित कर लेता है, जिससे इंसान को गर्मी बहुत ज्यादा कम लगती है, इसीलिए कैदियों को सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैदियों को सफेद कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपने आज से पहले नहीं देखी होंगी। सबसे पहले एम्बुलेंस, आज की एम्बुलेंस कुछ ऐसी दिखाई देती है और दुनिया की सबसे पहली एम्बुलेंस कुछ ऐसी दिखाई देती थी। नंबर दो, शायद आपको नहीं पता होगा कि अमेरिका के शिकागो शहर में 1 करोड़ स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर बना हुआ है। नंबर तीन, ये दुनिया का पहला एक्सीडेंट है जो 1891 में अमेरिका में हुआ था। नंबर चार, आज के एरोप्लेन कुछ ऐसे दिखाई देते हैं और 1930 के दशक में हवाई जहाज का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता था। क्या आपको पता है कि लाल चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों होती है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, लाल चंदन की लकड़ी इसलिए इतनी महंगी है कि वह केवल भारत के आंध्र प्रदेश में सेसाचेलम पहाड़ियों में पाई जाती है। इसके अलावा पूरी दुनिया में लाल चंदन के पेड़ कहीं भी नहीं पाए जाते। इस चंदन की लकड़ी के लाल होने के साथ साथ अनगिनत फायदे भी हैं। इसका इस्तेमाल सुंदरता बढ़ाने में और त्वचा से जुड़ी कई सारी परेशानियों में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा इसके महंगे महंगे फर्नीचर और सजावट भी बनाई जाती है। लाल चंदन के पेड़ को बड़ा होने में कम से कम 15 साल लग जाती है। बहुत धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी
डेंसिटी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से यह लकड़ी पानी में डूब जाती है और एक टन लाल चंदन की कीमत 2 से 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। इसी वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी की जाने वाली लाल चंदन की लकड़ी है और इसीलिए लाल चंदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी टास्क फोर्स लेती है। कुछ ऐसी बातें जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सबसे पहले एक जापानी सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भी 29 साल तक छिपा रहा क्योंकि उसे पता नहीं था कि युद्ध खत्म हो चुका है। नेक्स्ट, भारत की सबसे पहले मारुति 800 कार दिल्ली के हरपाल सिंह ने खरीदी थी। नेक्स्ट, ओडी के लोगों में 4 रिंग्स क्यों होती है? और आप में ऐसे 90% लोगों को ये नहीं पता होगा कि इन 4 गोलों का मतलब क्या है, लेकिन इन 4 गोलों का मतलब बहुत ही रोचक है। ये 4 रिंग्स 4 कंपनियों के जुड़ने की कहानी बताती है। इसमें हार्च, DKW और वांडर के एक होने से जो ऑटो यूनियन बना उसे आज लोग ओडी के नाम से जानते हैं।